नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार राय बिहारी न्यूज़ से, और आज हम बात करेंगे बिहार की बाढ़ के बारे में। बिहार में आई बाढ़ अब तक काफ़ी तबाही मचा चुकी है। खासकर निचले इलाकों में रहने वाले 13 से अधिक जिलों में लोग ऊंचे स्थान पर विस्थापित हुए हैं। बाढ़ से प्रभावित लोगों के बचाव के लिए सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अभी तक सूबे में 33 लोगों की मौत इस आपदा से हो चुकी है। बिहार सरकार ने बाढ़ की स्थिति को गंभीर मानते हुए पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले दिनों हवाई सर्वेक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से आहत हुए लोगों को नुकसान की भरपाई करने का वादा किया है। नीतीश कुमार ने सदन में कहा कि सूबे के हर बाढ़ पीड़ित परिवार को 6,000 रुपये 18 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। बाढ़ प्रभावित लोगों की सूची आपदा विभाग के पोर्टल पर जिला द्वारा अपलोड की जाएगी। जानकारी है कि बिहार के सीतामढ़ी, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, कटिहार सहित कई अन्य इलाकों में बाढ़ ने काफ़ी भारी तांडव मचाया, जिससे लोगों को अपना घर छोड़कर विस्थापित होना पड़ा। राहत और बचाव कार्य सभी जिलों में युद्ध स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 24 घंटों के अंदर आपदा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। सबसे अधिक प्रभावित नेपाल से सटे जिले हैं। आपको बता दें कि नेपाल के तराई इलाकों में अधिक बारिश होने के कारण कोसी बराज के 56 फाटकों को खोलना पड़ा था। इससे बिहार में काफ़ी मात्रा में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। हालांकि अब धीरे धीरे जल स्तर में कमी आ रही है। अभी कोसी बराज के 23 फाटक खुले हुए हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो बिहारी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।